हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम रवि ठाकुर फ्रॉम freekamal.com। गाइज, आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। इन दिनों इंडिया में इतना एयर पोल्यूशन बढ़ गया है कि और दिल्ली के तो आप बात ही नहीं कर सकते। और आप सबको पता है कि एयर पोल्यूशन से इतनी सारी बीमारियां होती है, और जो हमारे घर में बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज लोग हैं उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट हम बाहर की एयर का तो कुछ कर नहीं सकते, बट हम अपने घर की एयर प्योरीफाई कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या नीड होती है? एयर प्योरीफायर की। पर मार्केट में इतने सारे एयर प्योरीफायर है कि इतने महंगे भी है, सस्ते भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। बट उनमें से मैं सेलेक्ट करके एक एयर प्योरीफायर के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसका नाम है अगारो प्योर वेव एयर प्योरीफायर। गाइस, ये बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा और सबसे बेस्ट है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए इसकी एक झलक। सो गाइस, ये है हमारा अगारो एयर प्योरिफिकेशन। ये यूवी एयर फिल्ट्रेशन है एंड नेगेटिव एनियन जनरेटर है। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। अंदर है सबसे पहले इसका रिमोट। सो गाइस, ये है हमारा एयर प्योरीफायर जो कि बहुत हल्का है। मतलब मुझे लगा था जितना इसका साइज है उस हिसाब से इसका वेट बहुत होगा, बट ये जितना भारी दिख रहा है उतना है नहीं। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही लाइट वेट है। तो इसको अच्छे से कवर कर रखा है लोगों ने। हम लोग देख लेते हैं कि फ्रंट से क्या क्या दिखता है। ये बहुत ही अच्छे कलर में, वाइट में। मतलब अगर आपकी कोई भी वॉल है, डेकोरेटिव वॉल है, तो ये सब पे ही चल जाएगा। ऐसा अजीब नहीं लगेगा, सबके साथ ये मैच हो जाएगा। एंड जो इसके ऊपर टच प्लेट दे रखी है, ये भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो हम इसको यूज करना बता देते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये है इसका रिमोट जो कि बहुत ही क्यूट दिख रहा है, छोटा सा। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ये हटा के एंड देन यहाँ पे इसका एक वो दे रखा है, सेल दे रखा है। तो इसका सेल अगर वर्किंग है तो पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, ये वर्किंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटेक्शन लगा रखी है। आपको ये प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर दीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए, तब आप इसको यूज कर पाएंगे। ये जो प्रोटेक्शन है आप इसको हटाना भूलिए मत, अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सो गाइस, ये एयर प्योरीफायर का बैक है जहाँ से आपकी एयर प्योरीफाई होगी। तो आप इसको ओपन करके ये चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये आप लोगों को यहाँ पे फिल्ट्रेशन दे रखा है। आप याद रखिए कि ग्रीन वाला हमेशा फ्रंट में होना चाहिए और ब्लू वाला बैक में होना चाहिए। एंड जैसे ये गंदा हो जाता है तो आप इसको ओपन करके इसको धो के और दोबारा आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ये बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये है, आपको इसको क्या करना है, आपको ऐसे करना है एंड देन इसको ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो इसकी प्लेट है, टच प्लेट है, आप यहाँ से इसको ऑन कर दें। जैसे ये ग्रीन लाइट दिखा रहा है, मतलब कि ये चेक कर रहा है कि आपकी एयर में कितना पॉल्यूटेड है। अगर ये ग्रीन रहेगा तो मतलब आपकी एयर पूरी प्योरीफाई है, अगर रेड हो जाता है तो मतलब पॉल्यूटेड है। तो हम चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है चेक करने में। तो गाइज, मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ पे मैं हूँ अभी वहाँ की एयर बहुत प्योरीफाई है, क्योंकि ये ग्रीन है, मतलब 26 यूवी दिखा रहा है ये। तो इसमें तीन मोड है गाइज, आप इसको 2 पे कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं। तो आप इसकी आवाज से पता लगा सकते हैं कितना तेज चल रहा है। एंड गाइज, यहाँ पे एक नाइट मोड है, अगर आप नाइट मोड पे कर देंगे तो ये आवाज नहीं करेगा, ये इसकी आवाज बंद हो जाएगी, बट ये वर्किंग रहेगा। एंड यहाँ पे टाइमर है, आप यहाँ पे 12 आवर तक का टाइमर लगा सकते हैं। तो गाइस, एक चीज मैं और बता देती हूँ, जैसे कि घर पे बच्चे होते हैं वो छेड़खानी ना करें, तो आप ये दोनों बटन साथ में प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे लॉक लिखा हुआ आ रहा है, तो आप कुछ भी टच करिएगा ये नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए है कि अगर बच्चे छेड़खानी करते हैं तो आप लॉक कर दो ताकि वो यूज ना कर पाए। तो आप इन दोनों को दोबारा प्रेस कर दीजिए, अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके साथ इसकी पैम्पलेट दी गई है, मतलब आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे आप क्या यूज कर सकते हैं, एंड इसका वारंटी कार्ड भी इसके साथ दिया गया है, तो आप इसको फिल कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड गाइस, अब हम बात करेंगे थोड़ी कंपेरिजन की, मतलब इसके मुकाबले और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें से दो मैं आपको बताने वाली हूँ और इसका बताने वाली हूँ कि किसमें क्या फीचर है। जिसमें से हमारा पहला है अगारो का, सेकंड है MI 25 वर्टिकल एयर प्योरीफायर और थर्ड है फिलिप्स।
तो इसका जो पहला फीचर है ये अगारो 7-स्टेज एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें आपको मिल जाएगा प्री फिल्टर, कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और एंटी बैक्टीरिया फिल्टर, हेपा फिल्टर, यूवी बेस्ड फिल्ट्रेशन और एनियन प्योरिफिकेशन। एमआई में 3-स्टेज प्योरिफिकेशन सिस्टम है बट इसके नाम नहीं दिए गए हैं। फिलिप्स में 4-स्टेज एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जिसका नाम है प्री फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, हेपा लेयर और हेपा लेयर 2। एंड गाइस सेकंड फीचर की बात करें तो अगारो यूवी बेस्ड एयर फिल्ट्रेशन है, एमआई का दिया नहीं गया है। फिलिप ओजोन फ्री एंड नेचुरल फिल्ट्रेशन है। थर्ड फीचर की बात करें, प्राइस की बात कर लेते हैं। अगारो है 7999 का, एमआई है 8999 का और फ्लिप है 9799 का। एंड लास्ट की बात कर लेते हैं हम लोग वारंटी की, तो अगारो की 1 ईयर की वारंटी है, एमआई की 1 ईयर की है और फ्लिप की 2 to 3 years की वारंटी है। मतलब कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये फीचर्स मैंने आप बता दिए हैं, तो प्राइस में और सारी चीजों में अभी तक तो बेस्ट अगारो ही है। तो ये मैंने अगारो का आपको अनबॉक्सिंग करके और हम सारे फीचर्स बता दिए, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा खरीदना चाहेंगे, बट मेरे लिए तो अभी तक बेस्ट अगारो ही है। सो गाइज मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगारो में क्या क्या फीचर है, क्या प्राइस है, किस हिसाब से ये काम करता है और कितना आपका एयर प्योरीफायर करता है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप घर पे रख लेंगे, आपके घर की एयर सारी जो भी पोल्यूटेड होंगी वो प्योरीफायर हो जाएंगी। हम वाटर भी प्योरीफायर करते हैं तो हम लोग एयर क्यों नहीं कर सकते, और अभी तो इतना पोल्यूशन चल रहा है एयर में, तो उसके लिए बेटर है अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि सबकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि एयर से बहुत एयर पोल्यूटेड जहां भी होगी वहां पे तबीयत तो खराब होनी ही होनी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका रिव्यू देख पाए। एंड आपको मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और रिव्यूज लेके आऊं और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आऊं तो आप उसको मिस ना कर पाए। अभी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय।